नमस्कार दोस्तों दोस्तों ये वीडियो हमारी है पार्ट टू, यानी कि हम जो आपको कवरेज दिखा रहे हैं रायबरेली से लखनऊ तक रूट पर दोहरीकरण और विद्युतीकरण कार्य की, और हमने इससे पहले आपको दिखाया था रायबरेली से बछरावा, और इस वीडियो में हम जो है बछरावा से लखनऊ तक का जो आपको कवरेज दिखा रहे हैं। तो हम अभी आपने देखा बछरावा से निकले हैं, और पिछली वीडियो हमारी रायबरेली से जो बछरावा थी इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ की जानकारी उस वीडियो को देख के ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल ट्रेन एंड टूरिज्म में। अब हम देखिए आगे बढ़ चुके हैं बछरावा से आगे, तो यहाँ पे डबल ट्रैक है और जो कि कार्य पूरा है यहाँ पे, अभी वर्तमान में यहाँ किसी प्रकार का कार्य नहीं चल रहा है। जैसे कि आप अगर हम दोहरीकरण की बात करते हैं तो आप नीचे देखिए जो रेलखंड है, रेल मार्ग है, इसकी पटरियाँ हैं, जिस भी नाम से आप इसको पुकारना चाहते हैं, तो वहाँ पर दोहरीकरण का कार्य पूरा है। और ये देखिए कितने सौभाग्य की बात भी है कि यहाँ पर वैग 9 लोगों के साथ आपको एक मालगाड़ी चलती भी मिल गई। जैसा कि उस वीडियो में भी आपको पिछली वीडियो में भी दो अलग अलग जो है मालगाड़ियाँ मिली थी, एक वैग 7 के साथ एक वैग 9 के साथ। तो यहाँ पहली मालगाड़ी हमको मिली वैग 9 के साथ, क्योंकि मालगाड़ियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा चल रही हैं यहाँ पर, और हम आशा करते हैं कि और भी मालगाड़ियाँ मिलेंगी। तो सर्वप्रथम तो ये प्रूफ है कि यहाँ पर विद्युतकृत लाइन ऊपर जो आप देख रहे हैं ये कंप्लीट है, ये चालू है। अब ये देखिए एक गुमटी पास होती है। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो अभी अगला स्टॉपेज हमारा है श्री राजनगर स्टेशन आएगा, वहाँ पर हम आपको देखते हैं कि क्या कार्य चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, वहाँ की क्या पूर्णता है। सो दोस्तों हम पहुँच गए सिराजनगर, और बगल में आप देख रहे हैं एक प्लांट, ये है बैचिंग प्लांट और यह है श्री राजनगर, जहाँ पे आप देख सकते हैं अभी कार्य चल रहा है। मिट्टी जो है यहाँ पे डाली जा रही है, प्लेटफॉर्म यहाँ ऊंचा होगा, यानी कि प्लेटफॉर्म अभी बनना बाकी है। यहाँ प्लेटफॉर्म नहीं बना है, सिर्फ और सिर्फ भवन बना है। दोस्तों ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से हम आपको जो पीछे बैचिंग प्लांट बताए हैं वो जैसा मतलब वीडियो में कैप्चर हुआ है वैसा ही दिखा रहे हैं। और हम आगे बढ़ते हैं, और श्री राजनगर का हम बता रहे थे कि वहाँ पर जो है भवन निर्माण हुआ है सिर्फ, और ये नए सिरे से भवन निर्माण हुआ है, अभी वहाँ पे प्लेटफॉर्म बनना बाकी है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ एक गाड़ी खड़ी थी, और यहाँ पे जो है इसके वर्कर्स जो है इसका मेंटेनेंस का कार्य कर रहे हैं। जैसा कि जो रेलवे ट्रैक बनता है इसका मेंटेनेंस प्रॉपर इनको करना पड़ता है, ताकि किसी प्रकार की भी गुंजाइश ना रहे इसमें कमी की। आइए अब हम आगे बढ़ रहे हैं सिराजनगर से, और यहाँ भी आप देखिए कि दोहरीकरण और विद्युतीकरण का कार्य पूरा है इसमें। यहाँ पे अभी तक हमें कहीं किसी प्रकार का ऐसा नहीं दिखा, जैसे हम पिछला वीडियो में बछरावा तक देखा था हमने कि रेलवे ट्रैक पड़ा है और वहाँ पे कार्य जो है चालू है, या पटरियाँ रिसेंटली बदली गई हैं, तो पीछे की तरफ से यहाँ बदला गया है। अब हम देखिए आगे बढ़ रहे हैं, और सब मतलब यहाँ पे जो कार्य आपको देखने को मिलेगा वो आगे की तरफ मिलेगा, वहाँ से हम काफ़ी कुछ आपको अच्छी ऐसी जानकारी देंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने एक वीडियो पब्लिश की थी जिसमें हमने नववर्ष की शुभकामनाएं दी थी, और नववर्ष की शुभकामना के साथ साथ उसमें आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर थे भावी 2021 में क्या क्या कार्य है उसकी जानकारी थी, तो इसके बारे में हम बताते हैं। लेकिन पहले आप देख लीजिए निगोहा स्टेशन, हम पहुंच चुके हैं निगोहा स्टेशन, और ये देखिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म जो है बन चुका है, यानी कि ये जिस लेवल पे बनना चाहिए बन गया है, यात्री शेड बन गए हैं, और रैम मॉडल और आरओबी ओवरब्रिज फुट ओवरब्रिज बन चुका है। देख सकते हैं आप, पहले यहाँ पे किसी प्रकार की मूलभूत सुविधा भी नहीं थी, सब ग्राउंड लेवल पे एकदम स्टेशन थे, प्लेटफॉर्म थे, बिल्कुल लो लेवल, या हम कह सकते हैं जीरो लेवल ग्राउंड लेवल पे। किंतु अब ये जो है रेलवे के मानक के अनुसार अनुरूप ही बने हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है ये। और दोस्तों हम आपको बता रहे थे कि जो मैंने वीडियो पब्लिश की थी अगर आपने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखिएगा, और उसका लिंक भी आपको मैं आई बटन में दे देता हूँ, क्योंकि उस वीडियो में हमने आपको बताया था 4 लेन के बारे में और बाईपास के बारे में, तो वो दोनों लाइनें यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ पे आपका 4 लेन बनेगा, कहाँ पे आपका बाईपास बनेगा। तो चलिए हम अब आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ भी हम आपको दिखा दें कि दोहरीकरण और विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण है,
यहाँ पे आपको साइड में बगल में देखिए कंक्रीट के स्लीपर या लाइन वगैरह पड़ी हुई नहीं दिख रही हैं। और दोस्तों आपको अगर अन्य कोई डाउट हो तो किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से ले सकते हैं। और साथ ही साथ हम ये बताएंगे कि यहाँ पे एक सबसे बड़ी जो दुविधा होती है, सबसे बड़ा जो एक डिले होने का कारण होता है, वो भी अगर हमको मिलता है तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, जो कि आपको उतरेटिया के बाद जब दिलकुशा केबिन के आसपास आगे लाइन क्लियर ना मिलने से जाम लगता है तो उसका निवारण भी कैसे होगा और अगर कहाँ लगता है ये भी हम दिखाएंगे। तो आइए अब हम पहुँच रहे हैं कनकहा रेलवे स्टेशन और यहाँ भी हम आपको स्थिति दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है कनकहा रेलवे स्टेशन और यहाँ भी आपने देखा कि रेलवे स्टेशन बन चुका है, मतलब इसका जो है प्लेटफॉर्म ऊँचा हो गया है, इसके यात्री शेड बन गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर बाथरूम की व्यवस्था भी की गई है। और पुनः देखिए यहाँ पे एक मालगाड़ी आई वैग 9 के साथ, ये भी है और कितनी अच्छी बात है कि यहाँ आपको दो मालगाड़ी बहुत ही जल्दी देखने को मिल गई। तो पुनः मतलब लाइव ये एक तरह से हम बता सकते हैं कि सत्यार्थ है कि यहाँ पे विद्युत ट्रेनें दिख रही हैं, अभी तक हमें यहाँ पे डीजल लोको नहीं दिखा, तो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही अच्छी बात है। आइए अब हम इससे भी आगे बढ़ते हैं क्योंकि सफ़र तो हमको तय करना ही है, आपकी डिमांड को पूरा करना ही है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे किसी प्रकार का कार्य नहीं है, मतलब अधूरा नहीं है, किंतु आगे आपको हम हर चीज़ दिखाएंगे। सुल्तानपुर लाइन कहाँ निकल रही है, अयोध्या फैज़ाबाद लाइन कहाँ निकल रही है और ट्रांसपोर्ट नगर के लिए लाइन कहाँ पर निकल रही है, ये सब आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। क्योंकि लखनऊ जो है एक बहुत महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, रेलवे जंक्शन है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहाँ से हर तरफ के लिए रेलवे ट्रैक जाता है और हम यहाँ पर आपको पूरी जानकारी देंगे, जिससे कि छोटी छोटी जानकारी देना भी हमारा कर्तव्य है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी ऊपर का देखिए आप विद्युत जो लाइन गई है ये भी कम्प्लीट है और नीचे भी कम्प्लीट है। यहाँ पर कुछ बालक लोग पटरियों के बीच में जो है चहलकदमी कर रहे हैं, किंतु ऐसा करना घातक हो सकता है, कृपया ऐसा ना करें और कोई अगर करता मिले तो उसको सचेत कर दें। अब देखिए यहाँ पे हल्का सा कर्व आया और सबसे ज़्यादा देखिए कि यहाँ तो अभी गति कुछ स्लो भी है, ट्रेन अपनी अधिकतम गति लगभग 100 के आसपास, ये 100 किलोमीटर पर आवर की गति अचीव करती है और चलती है। हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि हम 40 मिनट डिले चले थे सोर्स स्टेशन से और डेस्टिनेशन पर आधा घंटा बिफोर पहुंचे थे, वो इसीलिए क्योंकि ये अपनी अधिकतम गति की ओर अग्रसर है ट्रेन। हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप पुनः देख ही रहे हैं दोस्तों, यहाँ तक तो खैर बताने का हमें ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि रेलवे का कार्य यहाँ पे कंप्लीट है। बगल में देखिए आप पोल पड़े हुए हैं, ये जो आपको मास्ट दिख रहा है यानी कि इलेक्ट्रिक पोल बगल में पड़ा हुआ था। रेलवे ट्रैक चेंज करते हुए रेलगाड़ी और जल्द ही हम अब पहुँचने वाले हैं स्टेशन पर। तो आप देखिए रेलवे ट्रैक चेंज कर लिया ट्रेन ने, ये बगल में एक डेड एंड है आपका, जो कि सेफ्टी पर्पज़ के लिए जितने भी स्टेशन बन रहे हैं, जितनी पटरियां बिछ रही हैं वहाँ पर लगाया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और हम पहुँचने वाले हैं मोहनलालगंज, इससे पहले हमने रेलवे क्रॉसिंग पार की, इसकी गुमटी पार की, तो ये है मोहनलालगंज। और आप देख सकते हैं यहाँ भी जो प्लेटफॉर्म है, देखिए मोहनलालगंज स्टेशन पहुँच गए हैं, यहाँ पे टॉयलेट है, बायो टॉयलेट है वो, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म रैंप मॉडल और FOB ये सब कुछ बना हुआ है, यात्री शेड भी बने हुए हैं। दोस्तों इस समय जहाँ भी कार चल रहा है, रूट पे जो भी स्टेशन आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, वो सब उच्चीकृत कर दिए गए हैं। जहाँ पे मूलभूत सुविधा भी ना थी वहाँ पर अब इतनी सुविधा तो है कि यात्री जो है आराम से बैठ सकता है छांव में। आप नीचे देखिए ये प्लेटफॉर्म पे, ये जो रेलवे ट्रैक है ये नए ट्रैक है, यानी पुराने ट्रैक हटा के नए ट्रैक बिछाए गए हैं, हाई कैपेसिटी के बिछाए गए हैं।
जो भी व्यक्ति देख रहे हैं, जो जिनका घर आसपास है, जैसे मोहनलालगंज है तो वो यहाँ के रहने वाले हैं, श्री राजनगर है यहाँ के रहने वाले हैं, कनकहा के रहने वाले हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं, उन लोगों को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, मतलब शुभकामना देते हैं कि उनके क्षेत्र में ये डेवलपमेंट हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रतीक्षा थी लोगों को। चलिए हम पुनः आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लूप लाइन इतनी है कि यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4 यानी 4 और 5, 5 से 6 यहाँ पे रेलवे ट्रैक बिछे हुए हैं। और वहाँ देखिए बगल में पुनः है, सबसे लास्ट में पेड़ के पास एक डेड एंड मिला और फिर आगे भी एक डेड एंड है। इस लाइन को अभी यहीं बंद कर दिया गया है। इसके दो पर्पज़ हैं, एक तो डेड एंड सेफ्टी पर्पज़ के लिए और दूसरा भविष्य में अगर इन फ्यूचर संभावना होती है तो इसी पटरी को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन वर्तमान में इनको डेड एंड ही बनाया गया है, लाइन को यहीं पे ब्लॉक किया गया है। एक डेड एंड ये देखिए आप, ये बहुत अच्छा रेलवे का इस समय कार्य है कि भविष्य की भी ध्यान में रखकर कार्य किया जा रहा है और पुनः रेलवे अपने ट्रैक को परिवर्तित करते हुए यहाँ तक मोहनलालगंज हम पहुँच गए हैं। बचरावा से यहाँ तक हमें रेलवे ट्रैक पर कोई कार नहीं दिखा और लेकिन रेलवे ट्रैक देख के आप आराम से जान सकते हैं कि ये नया रेलवे ट्रैक बिछाया गया है। दोस्तों यहाँ पर ट्रेन की गति कम हुई है और आप देखिए बगल में एक पोल भी जो है ऐसी खड़ा हुआ है और ट्रेन की गति कम है, इसका मतलब हम पहुँचने वाले हैं किसी स्टेशन और ये स्टेशन होगा उतरेटिया जंक्शन। जी हाँ, उतरेटिया एक जंक्शन है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेनों का दबाव रहता है, जो लखनऊ और ख़ास काम जो चल रहा है वो यहीं से चल रहा है क्योंकि इससे पहले तो कार्य आपने देखा कि पूर्ण हो चुका है। बहुत स्लो स्पीड में ट्रेन आगे चल रही है, संभवतः इसको लाइन नहीं मिली। और बगल देखिए ये एक पावर हाउस बोल सकते हैं, यहाँ पे इनका जो टावर वगैरह लगे हुए, ये देखिए आप बिजली की आपूर्ति के लिए ये सब स्टेशन है। यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन भी काफ़ी है, आप देख सकते हैं पीछे की साइड में बहुत बड़े बड़े खंभे दिख रहे हैं, तो ये ट्रांसमिशन लाइन का काम है, पावर ग्रिड के अंडर में ये काम होता है। और पुनः ट्रेन अपना मार्ग परिवर्तित करते हुए, ट्रैक चेंज करते हुए, और आप अगर देख सकते हैं तो देखिए कि सामने जहाँ टावर लगा हुआ है वहाँ एक फ्लाईओवर आ रहा है। हम थोड़ा आगे पहुँचते हैं, पानी की टंकी के बगल आपको दिख रहा होगा, आगे पहुँचते हैं तो ये फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, नया फ्लाईओवर है, ये आरओबी है, रेलवे क्रॉसिंग है और यहीं से सुल्तानपुर मार्ग जाता है। हमने जैसे आपको वीडियो में बताया सुल्तानपुर के लिए लाइन इसी फ्लाईओवर के नीचे से पास होगी, हम उसको भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जैसे भी दिखती है। और यहाँ आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि नीचे रेलवे ट्रैक और रेलवे पटरियाँ हैं, ये पटरियाँ पड़ी हुई हैं रेलखंड की, ये रेल ट्रैक जो निर्माण किया है उससे पहले यहाँ से मटेरियल रखते हैं तो उसमें बचा हुआ। साथ ही साथ यहाँ पे इस पटरी के नीचे भी हमने देखा कि यहाँ कुछ फाउंडेशन बचे हुए हैं जिसपे अभी मास्ट खड़े होने हैं या ये एक्स्ट्रा बने थे। और ये देखिए यहाँ पे फ्लाईओवर का कार्य चल रहा है और उसके वो देखिए रेलवे ट्रैक सामने आप देख रहे हैं अभी, बिल्कुल वो रेलवे ट्रैक रेलवे लाइन जाती है सुल्तानपुर की ओर। और ये आपको कंक्रीट के स्लीपर्स दिख रहे हैं, साथ में रेल लाइन दिख रही हैं और यही लाइन है जिस लाइन की बात हम कर रहे थे, आप देख सकते हैं। और हम पहुंचने वाले हैं अब उतरेटिया जंक्शन। ट्रेन बहुत ही मध्यम गति से आगे बढ़ रही है, यहाँ पे बगल देखिए सोलर सिस्टम लगा है। दोस्तों बहुत ही खास बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि हर जगह जितनी सरकारी भवन है, खासतौर पर रेलवे स्टेशन, यहाँ सोलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ये देखिए आप देख सकते हैं एक मास्ट यानी कि पोल स्ट्रक्चर उसका खड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है सॉरी, नीचे ज़मीन में पड़ा हुआ है। यहाँ पे कार्य अभी जो है काफ़ी चल रहा है इसलिए यहाँ पे आपको ये सब दिख जाएगा। ये देखिए कंट्रोल बॉक्स इनके हैं, अभी पेंटिंग वगैरह का भी कार्य यहाँ पे अपूर्ण है। साथ ही साथ ये देखिए ये संभवतः वो लास्ट में एक डेड एंड बनेगा जिस तरह से देखने में लग रहा है। और ये देखिए मास्ट, हाँ जी वो डेड एंड नहीं बनेगा, हम आपको बता दें
वहाँ लाइन बनेगी। अब कैसी लाइन बनेगी वो भी हम आपको बताएंगे, जहाँ पे हमको वो मार्किंग दिखेगी वहाँ से। अब देखिए यहाँ पे ये नए बॉक्स लगे हैं कंट्रोलिंग जो जंक्शन, इनके बॉक्स हैं जो आपको दिख रहे हैं। और हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे अब आ रहा है उतरेठिया जंक्शन। और यहाँ पे लाइन देख सकते हैं आप कि लूप लाइन सहित यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेलवे ट्रैक है। और दोस्तों यहाँ से ही ट्रेनों का डिले होना चालू होता है। सर्वप्रथम आप देखिए स्टेशन उतरेठिया जंक्शन है, तो जंक्शन लेकिन बिल्डिंग देखिए आप, और प्लेटफॉर्म इसके काफ़ी मतलब लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। ये देखिए एक क्रेन है, हाइड्रा क्रेन है, और ये डीजल इंजन, पहला डीजल इंजन हमको अभी इस लाइन पे दिखा। ये फुट ओवर ब्रिज और यात्री शेड बने हुए हैं, ये इनकी भवन बना है, नई बिल्डिंग बनी है, और यहाँ से इनका प्लेटफॉर्म विस्तार है। जहाँ अभी आपने बोर्ड देखा बिल्डिंग के बाद, यहाँ से प्लेटफॉर्म का विस्तार किया गया है। और अगर ट्रैक की बात करें, वर्तमान 6 रेलवे ट्रैक मतलब लाइनें यहाँ पर बिछी हैं जो कि लूप लाइन है। ये देख सकते हैं आप बगल में नीचे रेल पुल पड़े हुए हैं, रेलवे की यानी पटरियाँ जिसको कहते हैं वो पड़ी हुई है। और यहाँ तक प्लेटफॉर्म का विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, मतलब ये अपना प्लेटफॉर्म बढ़ाया गया है। अब यहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ से दोस्तों हमने जो वीडियो आपको बताई थी कि उसमें बाईपास बन रहा है, तो उतरेठिया से ट्रांसपोर्ट नगर, जो कि ट्रांसपोर्ट नगर एक छोटा सा स्टेशन था, यहाँ देखिए आप अभी ये कार्य चल रहा है, यही लाइन बनेगी, हम आपको आगे दिखाते हैं। ये ट्रांसपोर्ट नगर एक छोटा सा स्टेशन था, किंतु जो ट्रेनें बरेली मुरादाबाद जाएंगी तो उनको अब उस रूट पर डाइवर्ट किया जाएगा, यानी ये रेलवे ट्रैक, ये लाइन जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर सिंगल लाइन थी लेकिन अब इसको डबल लाइन किया जा रहा है। और जिसमें सिंगल लाइन में पहले सिर्फ मालगाड़ी जाती थी, लेकिन अब यात्री गाड़ियों को भी उधर डाइवर्ट किया जाएगा, जिससे लखनऊ पर, लखनऊ जंक्शन पर जो दबाव पड़ता था ट्रेनों का वो कम होगा। अब हम बढ़ गए हैं आगे की ओर, और आगे दिलकुशा मिलेगा, तो दिलकुशा केबन भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ से जो देखिए, उससे पहले ही गति मध्यम ही नहीं होती है, ट्रेन रुक जाती है, यही यहाँ की विडंबना है। खैर हम यहाँ पे वीडियो को आपको कट करते हैं, क्योंकि यहाँ हमें आधे घंटे खड़े रहना पड़ा था, जिसकी वजह से हमें लगा था कि देर होगी, किंतु ट्रेन ने उतना कवर कर लिया था बिफोर पहुँची थी। ट्रेन यहाँ से पुनः संचालित होती है, ज़्यादातर यहीं पे खड़ी हो जाती है, लखनऊ के आउटर पे खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से यात्रियों को बहुत परेशानी होती है, बहुत देरी हो जाती है। और ये देखिए पीछे की ओर, ये आपको जो दिख रहा है वो है फैज़ाबाद अयोध्या बाराबंकी लाइन, जो कि लखनऊ से जो है निकलते हुए जाती है। और हम आपको बता रहे थे कि यहाँ एक तो हमने बाईपास बता दिया, जो उतरेठिया से ट्रांसपोर्ट नगर की लाइन हमने दिखाई, यहाँ हाइड्रा कार्य कर रहा था वहाँ, और दूसरा यहाँ फोर लेन बनना है। फोर लेन का मतलब होता है यहाँ पर डबलिंग के बदले चार लाइनें रहेंगी, जो कि दिलकुशा से आलमनगर तक, दिलकुशा से लखनऊ और आलमनगर तक जाएंगी। देखिए दिलकुशा केबिन, ये बनने के बाद आपको यहाँ पे जो ट्रेनों का दबाव था दोस्तों, दिलकुशा से आलमबाग तक का जो है फोर लेन का निर्माण होगा, और इससे जो है आपको सीधा सीधा फ़ायदा ये मिलेगा, जो लाइन पर इंगेज हो जाती थी, बिजी हो जाती थी, बहुत ज़्यादा दबाव था, ट्रेनें निकल नहीं पाती थी, तो ये ट्रेनें अब जब मार्ग ही जो है इतना लंबा चौड़ा बन जाएगा, मतलब मार्ग की संख्या बढ़ा दी जाएगी, तो लखनऊ आने जाने में आपको टाइम कम लगेगा, लखनऊ से आगे जाने में टाइम कम लगेगा। और यहाँ आप देखिए लखनऊ जंक्शन के बगल, जो कि बिल्कुल मुखाने पे है, यानी कि हम जब लखनऊ जो है रेलवे स्टेशन लखनऊ जंक्शन प्रवेश करते हैं, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और नवाबों की सिटी है, तो क्या नवाब इसी तरह नहीं कहना चाहिए दोस्तों, लेकिन गंदगी में रहते थे, कि इतना कूड़ा करकट यहाँ पे है, और ये कूड़ा करकट यात्रियों द्वारा ही फैलाया जाता है, जो पानी की बोतल, चिप्स के पैकेट वगैरह ऐसे ही फेंक देते हैं।
किंतु कुछ तो जो है प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, रेलवे प्रशासन को, कि यहाँ पर जब भी हम आते हैं, हम देखते हैं अगर हम आप दक्षिण भारत की ट्रेनों से उत्तर भारत आते हैं तो ख़ास तौर पे कानपुर या लखनऊ, जो कि हमारा ही एक्सपीरियंस खुद का रहा है, इतना ख़राब लगता है बाहरी जो है कूड़ा करकट। अब आप देख सकते हैं कि आपने पूरा रास्ता एकदम सही देखा, लेकिन जब आप लखनऊ पहुंच रहे हैं तो कितनी ज़्यादा जो है यहाँ पे अव्यवस्था है, गंदगी हम कह सकते हैं, झाड़ियाँ हैं। कम से कम इसको अगर सुधारें तो बाहर के आने वाले लोगों के लिए इम्प्रेशन एक बहुत अच्छा पड़ेगा। जैसे हम अगर कहीं बाहर से आते हैं तो यूपी की एक अलग ही रंगत दिख जाती है। दोस्तों माफ़ करिएगा अगर गलत लगे, लेकिन ये हकीकत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने स्वयं देखा। अब अच्छा, अब हम पहुंच रहे हैं लखनऊ की वाशिंग लाइन। ये न्यू वाशिंग लाइन है लखनऊ की, और आपको हम पूरी वाशिंग लाइन दिखाएंगे। यहाँ भी एक डेड एंड बना हुआ है, देखिए। ये तो थी इनकी बिल्डिंग, और यहाँ से वाशिंग लाइन चालू होती है, जहाँ पर लखनऊ एक बहुत ही ज़्यादा बिजी जंक्शन है, बिजी स्टेशन है, और यहाँ जितनी ट्रेन आती हैं उनमें पानी भरने का काम, उसकी सफाई का काम होता है। ये देखिए, यहाँ पे वर्कर्स द्वारा जो है गाड़ी की धुलाई चालू है। लाइन आप पूरी देख रहे हैं, इसका पूरा व्यू हम आपको दिखाएंगे। प्रतापगढ़ में भी वॉशिंग लाइन बनी है, रायबरेली में भी वॉशिंग लाइन बनी है, लखनऊ में भी वॉशिंग लाइन बनी है। जितना रूट अभी तक हमने आपको कवर किया, वहाँ पे हर जगह वॉशिंग लाइन बनी है, जितनी मुख्य मुख्य स्टेशन है। रायबरेली में तो दो दो वॉशिंग लाइन हैं, एक पुरानी और एक नई, दोनों अलग अलग पर्पज़ के लिए चालू हैं, जिसमें किसी वॉशिंग लाइन को हटाया नहीं गया, यानी पुरानी को भी नहीं हटाया गया। और लखनऊ की ये न्यू वॉशिंग लाइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी वॉशिंग लाइन है, कि यहाँ पर बड़ी से बड़ी ट्रेन आराम से आ सकती है, यात्री ट्रेन, और यहाँ पर धुलाई हो जाती है। यहाँ पे देख लिए, नीचे वर्कर्स जो है पाइप खींच के ले जा रहे हैं यहाँ पे धुलाई के लिए ट्रेनों के। और ट्रेन पहुंचने वाली है लखनऊ जंक्शन, क्योंकि इसने गति सीमा को अपनी कम किया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, बहुत ही खुशी की बात होगी कि जब ये रेलवे ट्रैक पूरी तरीके से दोहरीकृत और इलेक्ट्रिकृत हो जाएगा, यानी पूरा लॉन्ग रूट, तो हमें आने वाले समय में बहुत ही कम समय देना पड़ेगा अपनी यात्रा के लिए। साथ ही साथ अब एक बात और आपको बता दूं कि अयोध्या प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो जन्मभूमि है, उनका पावन तीर्थ है, अयोध्या में आपको बुलेट ट्रेन भी मिलेगी। दिल्ली से जो बनारस बुलेट ट्रेन का जो है रूट है, उससे अयोध्या को जोड़ा जाएगा, संभवतः लखनऊ भी जुड़ेगा, आगरा भी जुड़ सकता है। तो ये तो बाद की चीज़ है, किंतु अयोध्या ये अवश्य जुड़ रहा है इससे। हम इसकी भी जानकारी आपको एक अलग वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। और यहाँ देखिए कितनी लंबी वॉशिंग लाइन है ये। ट्रेन बहुत ही स्लो मूव के साथ आगे बढ़ते हुए, यहाँ खाली दो ही लाइन जाती हैं, इस वजह से ये दिक्कतें भी हैं, यानी कि दोहरीकरण ही है। निकटतम भविष्य में तो अब इसमें जो है, अगर वहाँ पे फोर लाइन जल्द से जल्द निर्माण हो जाएगा तो दबाव कम पड़ेगा। और दूसरा, बरेली और मुरादाबाद होके जाने वाली ट्रेन ट्रांसपोर्ट नगर से चली जाएंगी, तब भी इस पर दबाव काफ़ी कम होगा, और ट्रांसपोर्ट नगर को भी जो है बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है कि वो भी स्टेशन डेवलप होगा। और इसकी दूरी ज़्यादा नहीं है, लखनऊ सिटी में ही है सब, सिटी से मात्र 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे ही है। नीचे देखिए पुल, ऊपर जो है रेल मार्ग, यहाँ पे वर्कर्स अपना जो है मेंटेनेंस का कार्य कर रहे हैं, जो कि नॉर्मल वेज में हमेशा मेंटेनेंस चलता रहता है, यानी कि नट बोल्ट देखने का, टाइट करने का, लाइनों के रख रखाव का। दोस्तों, अंततः हमने अपना सफ़र पूरा किया और हम पहुंच रहे हैं लखनऊ रेलवे स्टेशन। एक एफओबी को पार करते हुए
और ये देखिए, ये वॉशिंग लाइन जो आपको दिख रही है ये पुरानी वॉशिंग लाइन है। तो हमने हमारी जितनी भी कोशिश थी इसमें सब कुछ कवर किया है, सब कुछ आपको दिखाया है। पुरानी वॉशिंग लाइन आप देखिए, किंतु अगर फिर भी कुछ छूटा हुआ हो तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आपसे। और अगर आपके पास कुछ अलग से जानकारी है या जानकारी चाहिए तो कमेंट के माध्यम से आप वो जानकारी हम तक शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को हम अब यहीं विराम करते हैं क्योंकि हम पहुंच चुके हैं लखनऊ जंक्शन। और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा साहस प्रदान करता है, मोटिवेट करता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टेशन नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।